मैंने बारहा ये जुमला कहा, मैं अक्सर शहीद सुलेमानी की रेफरेंस देता हूँ, जब से वो शहीद हुए थोड़ा सा मैंने मुताला किया उनके बारे में, तो मैंने देखो एक देहात की औरत क्या कमाल कर सकती है। शहीद सुलेमानी की माँ एक देहात की, एक गांव की रहने वाली है। किरमान एक शहर है, किरमान से दूर एक गांव है कनात मुल्क उस गांव का नाम है। शहीद सुलेमानी वसीयतनामे में खुदा की बारगाह में हम्द व सना करते हैं, खुदा मैं तेरा शुक्र बजा ला रहा हूं, तूने मुझे गरीब लेकिन दीनदार घराने में पैदा किया। गरीब मगर दीनदार। अगर औरत दीनदार बने, 5 वक्त की नमाज टाइम पर पढ़े और सुबह बच्चों के नाश्ते से पहले बच्चों की तरबियत के लिए खुदा की बारगाह में जाए, कुरान उठाए, उसका असर होता है, खुद औरत के उस जिंदगी पर असर होता है और उस घर की चार दीवारी में उसका असर होता है। दीनदार, और फिर कैसा इंसान मिला शहीद सुलेमानी जैसा बेटा, एक देहात की एक औरत को, एक देहात के एक किसान को, कि आयतुल्लाह सिस्तानी जैसा मर्जे तकलीद, आयतुल्लाह खामनी जैसा अजीम लीडर उनके फिराक में रो रही है। आयतुल्लाह खामनी जैसा अजीम लीडर उनके फिराक में रो रही है। आयतुल्लाह हसन ज़ादा अमली कहते हैं कि जब शहीद सुलेमानी शहादत से 1 महीने पहले कफन लेके आए मेरे पास, मुझसे कहा, आगा जनाब आली मेरी कफन पर गवाही दीजिए, तो रो रो कर आई जवाब दिया आमली ने, कहा मैं क्या गवाही दूं, ये जमीन और आसमान गवाही दे रहे हैं कि अगर आई जवादी आमली जैसे लोग मस्जिद आजम में कुरान की तफसीर का दर्ज दे रहे हैं, ये शहीद सुलेमानी की जहाद और उनकी रात की क्या उस बेदारी के सदके में हम ये कर रहे हैं। मैं क्या गवाही दूं, आप गवाही दीजिए, मैं आपकी गवाही का मोहताज हूं, रो रो कर कह रहे थे।